राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर में मंदिर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि 11 जनवरी की सुबह सदर थाना क्षेत्र कोकर में मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जानकारी मिलते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके बाद टेक्निकल टीम के सहयोग से सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, जिन्होंने अपना गुनाह स्वीकारा और बताया कि नशे की हालत में चोरी को अंजाम दिया है। मंदिर में चोरी जो है वो असंवेदनशील मुद्दा होता है, और 10-11 की रात की, मतलब 11 की सुबह हम बांधगाड़ी में, जो सदर थाने में पड़ता है, वहाँ मंदिर में चोरी हुई और बड़े ही सिग्निफिकेंट तरीके से थाना CTSP के निर्देशन में और DSP सदर के नेतृत्व में थाना प्रभारी ने त्वरित मामले का उद्घाटन किया, सामान बरामद किया जो चोरी गई थी मंदिर की, और अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी किया। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं आशीष कुमार और राहुल महतो, इसमें आशीष कुमार पहले ही फायरिंग के केस में जेल गया है, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, और जो मंदिर से सामान गया था लगभग सभी सामान बरामद कर लिया गया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, 12 घंटे के अंदर उद्भेदन करना और गिरफ्तारी करना, और इसके लिए पूरी टीम को जो है हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। सर, क्या काम कर रहा है इसमें? नहीं, ये ऐसा कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा है ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल चोर हैं जो अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए। कुछ बताया था कि मंदिर में क्यों चोरी, मंदिर में क्यों है? इस बिंदु का अनुसंधान चल रहा है अभी, जो है ऐसा कोई विषय कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू।